नरसिंहपुर की बात करेंगे, जहां पर तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने बीजेपी सांसद राव उदय प्रताप सिंह और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, झूठ बोलने और अच्छे कपड़े पहनने से वोट नहीं मिलते, जनता के बीच जाकर काम करने से वोट मिलते हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि होशंगाबाद लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस उम्मीदवार दीवान शैलेंद्र सिंह की ही जीत होगी। इन 5 वर्षों की सरकार ने और अभी जो वर्तमान सांसद हैं, वो वर्तमान देश के मध्य प्रदेश के जो मंत्री रहे, वो प्रदेश में भी पिछले 5 वर्षों में सरकार रही, मैं विधायक में भी रहा। उसके बाद मैंने विधानसभा चुनाव पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और कांग्रेस को दोबारा चुनाव लेना। इतना ज्यादा इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए। संवाददाता मनोज नूरिया हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह से देखा जा सकता है, जो तेंदुखेड़ा के विधायक है उन्होंने पीएम मोदी के लिए ही अपशब्दों का प्रयोग किया है, अपशब्द तो नहीं कहेंगे लेकिन उन्होंने कहा है कि 10 सालों में यहाँ क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, झूठ बोलने और अच्छे कपड़े पहनने से वोट नहीं मिलते। मनोज, सुन पा रहे हैं आप हमें? जय, बिल्कुल। नरसिंहपुर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव काफी संवेदनशील चुनाव है। यहाँ पर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सांसद राव उदय काफी बीजेपी से, वहीं पर शैलेंद्र शर्मा दीवान शैलेंद्र सिंह कांग्रेस से है प्रत्याशी हैं, और वहीं पर संजय शर्मा जो है पहले वो बीजेपी में से, इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जो है सांसद राव उदय प्रताप को चैलेंज किया था कि आप आए और हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। तभी से ये दोनों के बीच में काफी मामला काफी रोमांचित है, और उन्होंने अब इसी को लेते हुए कल फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे कपड़े पहनने और क्रीम पाउडर लगाने से कोई वोट नहीं मिलता, अच्छे काम करने पड़ते हैं। काफी मतलब राहुल प्रताप सिंह जो है काफी गहरा है इन्होंने। इसको लेकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? जी, अभी बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि मैंने बात करने की कोशिश की थी राहुल उदय प्रताप सिंह जी से जी। अभी उनका जो कार्यक्रम में व्यस्त है, फोन पे बात हुई तो उन्होंने बात तो हो नहीं पाई उनसे, और कल हमने सांसद कैलाश सोनी जी है राज्यसभा सांसद उनसे भी बात करने की कोशिश बात की, पर उन्होंने भी ये कहा था ये उनका मामला है तो उनसे ही बात कर ले। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी देने के लिए।